जी हाँ, उपभोक्ता संरक्षण संगठन हमीरपुर ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर हमीर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस अवसर पर धूमल का कार्यक्रम में पहुंचने पर शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा, डीसी राकेश प्रजापति, एसपी रमन कुमार मीणा के अलावा गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केवल एक दिन मना लेने से कभी कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता दिवस अपने मौलिक अधिकारों को याद रखने के लिए मनाया जाता है, जिसका सभी को अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को खुद जागरूक होने की जरूरत है, तभी उपभोक्ता अपने अधिकारों को संजो कर रख सकेगा। हम अक्सर देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर सारा विश्व एक दिन मनाता है। कभी अर्थ डे होता है, कभी एनवायरमेंट डे होता है, कभी मदर डे होता है। अभी 8 मार्च को महिला दिवस था। ये सिंबॉलिक है, केवल एक दिन कुछ मना लेने से कुछ नहीं हुआ करता। धरती माता की पूजा करके उसमें पैर रखो, उसको वंदना करके रखो, मां का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, ये कोई एक दिन की बात थोड़ी है। ठीक इसी प्रकार से उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है सिंबॉलिक याद कराने के लिए। कुछ मौलिक प्रश्न ज्ञानचंद शर्मा जी ने और दीपक शर्मा जी ने उठाए, इनके अनुभव के आधार पर जो उन्होंने बातें कही इसके लिए धन्यवाद। और जो बात कही गई थी, अधिकारी अगर उपस्थित हो, पुलिस विभाग से जुड़ी बात आई तो एसपी महोदय ने रिस्पॉन्ड किया, जिला प्रशासन की बात आई तो जिलाधीश महोदय ने रिस्पॉन्ड किया, आईपीएच की बात आई तो एक्शन साहब ने रिस्पॉन्ड किया। सारा खाद्य सामग्री सप्लाई करता है, अगर वो स्टैंडर्ड का नहीं है, उस स्तर का नहीं है, तो फिर उनमें होगा। इसलिए आप पढ़ते हैं मंत्री का बयान, कभी पुरानी जगह पड़े छापा मारा, गैस का सिलेंडर में गैस कम थी, पेट्रोल पंप वाले का मीटर ठीक नहीं था। ये सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जागरूक होना, केवल हर बार मंत्री जाएगा या विभाग का कोई व्यक्ति जाएगा, जैसे डीसी साहब ने कहा कि इतने लोग तो संभव नहीं होता उपस्थित हो, सब इसमें हमारे पास नहीं कि हर जगह पुलिस हाजिर हो। लेकिन जब हम पेट्रोल डलवाते हैं, क्या हम कभी ठीक से चेक करते हैं? क्या जो रीडिंग आ गई उसके बाद उसने पूरा जो पाइपलाइन में चल रहा था पेट्रोल, कुछ ड्रॉप्स ही होंगे चाहे उतना डाला? कई बार हम अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, उदारता दिखाने के लिए कुछ भी कोई दे रहा है, दे देना यार, देखते ही नहीं उसने वेट ठीक किया कि नहीं किया। वहीं उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संगठन काम कर रहा है, और जब भी कोई शिकायत करता है तो उसका निवारण करने के लिए संगठन हमेशा तत्पर रहता है। सिंपल कि आप कंज्यूमर फॉर्म में एप्लीकेशन दे दो उपभोक्ता अदालत में, उससे आपको न्याय मिल जाएगा, वो ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें थोड़ा सा कानूनी जानकारी ये लें, वकील के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये जानकारी लें कि वहां पे जितने आपके जिन लोगों के खिलाफ आपकी शिकायत है, आप उतनी कॉपीज भी बनाएं। और कम से कम मैंने यहाँ कंज्यूमर फॉर्म देखा कि सबसे बड़ी मुश्किल हमें आती है कि आप लोग हाथ से एप्लीकेशंस लिखते हैं। हाथ से लिखनी ठीक है, उसमें अलाउ कर देते हैं, लेकिन जब आप लोग हाथ से एप्लीकेशंस लिखते हैं तो जो वहां पे जजेस बैठे हैं या मेंबर्स बैठे हैं, उनको पढ़नी मुश्किल हो जाती है कई बार। एसपी रमन कुमार मीणा ने कहा कि फ्रॉड कॉल्स पर सभी को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आजकल ये बहुत चलन बढ़ गया है, जिससे लोग ठगे जा रहे हैं। उन्होंने
कहा कि सभी लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि उपभोक्ता के रूप में आप जागरूक बने। आप ये जाने कि आपको कोई फोन कॉल कर रहा है तो क्या वो ऑथराइज्ड है कॉल करने के लिए, आपका जो डाटा है वो लेने के लिए, आपके बैंक की डिटेल्स लेने के लिए, उसके बाद में ही आगे बढ़े। और बारंबार वित्त विभाग, भारत का फाइनेंस मिनिस्ट्री, बैंकिंग एसोसिएशन इस तरह के सर्कुलर जारी करती है, सलाहें जारी करती है कि कोई भी बैंक फोन पे अपने किसी भी ग्राहक से उसकी बैंक डिटेल, उसके एटीएम के पिन या किसी तरह की कोई डिटेल कभी नहीं मांगती है। ये मान के चलिए कि अगर कोई आपसे जानकारी लेना चाह रहा है तो वो आपको ठगने के लिए ऐसा कर रहा है। तो बैंक के हम उपभोक्ता हैं, सारी हमारी जो गतिविधियां हैं, फाइनेंशियल गतिविधियां, चाहे जैसे मेरी सैलरी है या एक बिजनेसमैन के उसका जो बिजनेस से संबंधित जो उसका पैसा है, वो सब बैंक से जुड़ी हुई चीजें, हम उपभोक्ता हैं। और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर ठगी हो रही है। वहीं डीसी हमीरपुर राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को सुविधा देने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्किंग को लेकर जिला भर में सुविधाएं देने की जिला प्रशासन की योजना है, जिस पर काम चला हुआ है। इसके लिए करोड़ों रुपए के बजट के अंदर काम चला हुआ है। जिस तरीके से मैं जिला प्रशासन को देखता हूँ, जिला प्रशासन के जितने भी विभाग हैं, वो कहीं न कहीं हर कदम पर कोई न कोई सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप हम लोग इंक्लूडिंग जो जिला प्रशासन के लोग हैं, वो खुद भी कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं। आप लोग तो हैं, पूरा समाज तो है, लेकिन हमारे अपने लोग भी, क्योंकि जैसे बताया गया पीछे भी भारती साहब जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने बोला कि हम सब भी उपभोक्ता हैं। पहले जब ये पॉलिसी बनी, जब ये एक्ट आया, तो उस टाइम बोलते थे कि जो दुकानदार है वो बोलते हैं हमको परेशान करने के लिए बनाया गया, लेकिन दुकानदार खुद भी कंज्यूमर थे और उनका लाभ उस एक्ट के माध्यम से उठा सकते थे। तो जो जिला प्रशासन है, कहीं ना कहीं हर कदम पर कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है लोगों को। और ये जो जिला प्रशासन है हमीरपुर का, जिसमें मुझे मुखिया के तौर पर रखा गया है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि आप लोग भी कई बार हमारे पास आए और कई मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए और कई मुद्दों पर ये जानना चाहे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो भी मुद्दे हमारे सामने उठाए जाएंगे और जिन मुद्दों पर हमें लगता है कि हम अपने स्तर पर कार्य करने में सक्षम हैं, तो पक्का कार्रवाई इसको की जाएगी। इस अवसर पर दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन की वार्षिक पत्रिका का भी मुख्य अतिथि प्रेम कुमार धूमल ने विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई समस्याओं पर भी चर्चा की गई और मौके पर ही विभागीय अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया।